नमस्कार दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त घर का फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन दिखाऊंगा और उसके साथ साथ उस घर का जो कंपाउंड वॉल का डिज़ाइन है उसे भी दिखाऊंगा। कंपाउंड वॉल के ऊपर लगे हुए ज़बरदस्त टाइप का रेलिंग का डिज़ाइन, साइड में लगे हुए मेन गेट का डिज़ाइन, मेन गेट के ऊपर लगे हुए गेट सेट का डिज़ाइन भी आपको दिखाऊंगा, वो भी एक ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन के साथ। दोस्तों, मैं बहुत सारा वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि अपना घर को एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ पेंट कीजिए, इससे आपका घर का लुक बढ़ेगा। पता नहीं आप लोग इस बात को कितना सीरियसली लेते हो, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोगों को एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन का जो महत्व है वो समझ में आएगा। बिना देर के वो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस घर का फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद में बारी बारी से आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों स्क्रीन में कि आपको एक सामने एक ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन आ चुका है। मैं हल्का जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया इस डिज़ाइन से ले सके। बीच वाला जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये दोस्तों इस घर का सीढ़ी रूम है। उसमें भी आप देखेंगे एक ज़बरदस्त टाइप का विंडो सनसेट का उपयोग किया गया है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस घर के कंपाउंड वॉल के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम पैसा में भी बनने वाला है। आप सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं इस 7 फीट ऊंचा कंपाउंड वॉल का में आपको एक डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। एक ही टाइप का डिज़ाइन लगाया गया है, जिसे कॉपी पेस्ट किया गया है। आइए मैं आपको नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ और जानते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। दूर से देखने में लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पे पेंट किया गया है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप गौर से इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्लास्टर करने के बाद जो हम लोग कट लगाते हैं वो ही कट यहाँ पे लगाया गया है। 1 इंची के आसपास में दोस्तों आप देखेंगे कि मोटा प्लास्टर करने के बाद वहाँ का जो हमारा मोर्टार रहता है उस पर उसको निकाल दिया गया है। आप आसानी के साथ देख पा रहे होंगे जहाँ पर भी ये डिज़ाइन लगाया गया है, ऐसे में आपको कलर करने में भी आसानी होता है। आप देख लीजिए इस तरीक़े से कट्स लगाते हुए यहाँ पे कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन बनाने का कोशिश किया गया है। मैं आपको एक बार पूरा लुक भी दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक शानदार कंपाउंड वॉल देखने को मिल सकता है। बात किया जाए ऊपर की वाले पार्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग निकाला हुआ दिख रहा है। ये ब्रिक वर्क से ही निकाला जाता है, बाहर ईंट करके आपको जुराई करवा लेना है, जिससे आपको एक अच्छा लुक मिलता है, वो भी दोस्तों कम पैसा में, क्योंकि आप ईंट की जुराई से ही ऐसा काम करवा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे RCC का यूज़ भी करते हैं। तो आप अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा कंपाउंड वॉल का डिज़ाइन, तो इस तरीके का आप करवा सकते हैं। इसके ऊपर देखेंगे तो आपको लगभग 2 फीट ऊंचा रेलिंग देखने को मिल रहा होगा। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये रेलिंग लगाया जाता है, आप देख लीजिए। और एक ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन को मैंने आपको बताया है, तो आपको फुल लुक भी दिखाऊँगा घर के साथ कंपाउंड वॉल। दूर से वीडियो लेते हुए मैं आपको दिखाऊँगा, तब आपको सारी बातें समझ में आएगा। कंपाउंड वॉल को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गेट के पास इसे राउंड किया गया है। ऐसा राउंड करने से आपको जब आप कार वगैरह गेट के अंदर ले जाते हैं तो आपको दोस्तों सुविधा होती है, या फिर निकालने समय भी आपको सुविधा होती है। चलिए दोस्तों, अब धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग इस गेट सेट की तरफ और गेट के डिज़ाइन की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त डिज़ाइन वाला आर्क शेप वाला आयरन का गेट आपको मिलता है। आप देख लीजिए इस गेट का जो हाइट है दोस्तों, वो भी दोस्तों 9 से 9.5 फीट के आसपास में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि रेलिंग के हाइट से भी हल्का इसका हाइट ज़्यादा है। फिर उसके ऊपर आपको एक ज़बरदस्त लुक वाला मिल जाता है गेट सेट का डिज़ाइन, स्लोपी डिज़ाइन दोनों तरफ से। और इसमें आपको 2 गेट देखने को मिलता है दोस्तों, एक बड़ा साइज़ का गेट और एक छोटा गेट। जो बड़ा साइज़ का गेट है उसमें 2 पल्ला आपको मिलता है, जो छोटा गेट है उसमें आपको सिंगल पल्ला है। दोनों में आर्क शेप का इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ दोस्तों हल्का राउंड शेप यहाँ कंपाउंड वॉल का दिया गया है, ताकि गाड़ी वगैरह घुसाने में आसानी हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस कंपाउंड वॉल का डिज़ाइन और इस घर का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए डेली बेसिस पर वीडियो लाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले इंजीनियर प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।